ने संदेशकालीन हिंसा को लेकर के अब दिल्ली तक ये बात पहुंच गई है, क्योंकि जिस तरह का हंगामा वहां पर मचा है, महिलाओं से यौन उत्पीड़न की बात भी सामने आई है। बीजेपी एक बार फिर से कोशिश करेगी आज वहां पहुंचकर बात करने की। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर काफी तूल पकड़ने जा रहा है, 144 धारा लागू कर दी गई है। बीजेपी की हाई पावर्ड कमेटी आज संदेश खाली जाने वाली है। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी जो है संदेश खाली जाएंगे। बीजेपी कांग्रेस नेताओं को रोकने की तैयारी में बंगाल पुलिस नजर आ रही है। इस बीच विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी आज कोर्ट का दरवाजा जो है खटखटाने वाले हैं। शुभेंदु को पुलिस ने संदेश खाली जाने से रोका था, जिसके बाद उन्होंने अदालत का रुख किया था। और आपको ये भी बता दें कि सुकांत मजूमदार पर हमला मामले में लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी को तलब कर लिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां संदेश खाली हिंसा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तो टाइम्स नाउ नवभारत ग्राउंड जीरो से लगातार संदेश खाली की पल पल की रिपोर्टिंग जो है वो कर रहा है। नवभारत संवाददाता से पीड़ित महिलाओं ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनवाते हैं, सुन लीजिए।